कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में किए जा रहे जांच रिपोर्ट आने में हो रही असुविधा का दौर समाप्त हो चुका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच टेस्टिंग चुनौती बनी हुई है। विभिन्न प्रयोगशाला में सैंपलों का बैकलॉग भी बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने के लिए जिला चिकित्सालय में ट्रूनेट मशीन स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रवासियों की आमद बढ़ने के साथ ही सैंपल भी अधिक लेने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इससे निजात पाने के लिए योगी सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में ट्रूनेट मशीन लगाने का निर्णय लिया है। जहां पहले रिपोर्ट आने में कई कई दिन लग जाते थे, वहीं इस मशीन से प्रारंभिक जांच के तहत 1 से 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। साथ ही संदिग्ध रिपोर्ट की पुष्टि के लिए संबंधित लैब को भेजी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, कोरोना की जांच जल्दी हो इसके लिए एक मशीन हमें मिली है जिला चिकित्सालय को, उसको ट्रूनेट कहते हैं। उसमें एक बार में 2 सैंपल लगता है और 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता है, और उसको हम राउंड दी क्लॉक अगर चलाते हैं तो 1 दर्जन से ज़्यादा टेस्ट हम कर लेते हैं। इस मशीन का फ़ायदा यह है कि अविलंब अगर हमें 2 घंटे में जानना है कि अमुक व्यक्ति कोरोना नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो हमें उससे रिज़ल्ट मिल जाता है। खास करके नेगेटिव रिज़ल्ट इसका ज़्यादा मायने रखता है। नेगेटिव हो गया तो बिना भय के और आप उसका सर्जरी कर सकते हैं, आप उसके आगे की कार्रवाई भी कर सकते हैं। अगर कोई रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो हम उसको पॉजिटिव तब तक नहीं कहेंगे जब तक हम पुनः उसकी जांच RT-PCR से ना करा लें। तो इसमें जो नेगेटिव टेस्ट हैं वो बहुत ही जल्दी होने की वजह से बहुत जल्दी फ़ायदेमंद होगा, तो वो हमारे ज़िला अस्पताल में शुरू हो गया है और 7-8 टेस्ट इसमें हो भी गए हैं। हम उसका राउंड दी क्लॉक उसकी टेस्टिंग करेंगे, जिसमें 2-2 LTs लगाए गए हैं 3 शिफ्ट में, और हमारे पैथोलॉजिस्ट उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ परसों हमें मिल गई है, कल से हमने उसे चालू कर दिया।